हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि हमने इस वीडियो को स्पेशल क्यों कहा गया है, बीए सेकेंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए की। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि ये स्पेशल क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो, इसको हमने स्पेशल इसलिए कहा गया है क्योंकि अब जो हमारा एग्ज़ाम है उसके सिर्फ एक महीना रह गया है और आज से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो अभी बुक्स भी नहीं खोली होंगी। वो सोच रहे होंगे हमें तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कुछ पता ही नहीं है चैप्टर कितने हैं, क्या हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, किसी भी तरह को उन्हें नहीं पता कुछ भी। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको ये पूरी डिटेल इसी बारे में बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा एक महीना रह गया है, तो जो हमारा एक महीना रह गया है इसमें हमें इतनी तैयारी करनी है कि जो हमने पूरे साल भर में तैयारी नहीं करी वो पूरे साल की तैयारी हम अपने एक महीने में कर लें, हम अपना एक भी दिन वेस्ट ना जाने दें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप सबसे पहले ये बुक खरीद लीजिए, गोल्डन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश सेकंड। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये बुक है ये सेकंड ईयर की बुक है, बीए सेकंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए के लिए है ये बुक। और फ्रेंड्स, जो हमारी बुक है ये सॉल्व बुक है, ये विनोद प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। और अगर आपने ये बुक नहीं खरीदी है तो आप DU जाकर इस बुक को ला सकते हैं और अपने आसपास के जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी पता कर सकते हैं, फ्लुएंसी इन इंग्लिश पार्ट टू विनोद प्रकाश जी के द्वारा जो ये बुक है। और फ्रेंड्स, ये बुक वैसे 200 की है, अगर आप पता करने जाएंगे बाहर तो आपको 100 तक की मिल जाएगी, ड्यू में 100 तक की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये बुक लेकर आएंगे उसके बाद आपको करना क्या है, फ्रेंड इस बुक में हमारे जितने भी चैप्टर्स जो भी आने इसमें सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, टोटली जो हमारे चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स वो हमारे चैप्टर हैं 15। इसमें सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, ग्रामर में दिए गए फ्रेंड्स, जो जो आते हैं वो इसमें कंपलसरी दिए गए हैं कि ये सारी चीज़ आती हैं। और फ्रेंड्स, ये बुक सॉल्व है, ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारी ये सॉल्व बुक है इसकी जो इंग्लिश है उसके बाद हिंदी भी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इससे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको करना है कि आप ये बुक ले आएंगे, उसके बाद देखिए इसमें सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा पहला चैप्टर है लर्निंग टू राइट, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर दे रखा है। सेकेंड चैप्टर है लर्निंग कैन बी फन, और ये वाला फर्स्ट चैप्टर सेकंड भी करा दिया है हमने, आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं इंग्लिश अपडेट्स की, बीए सेकंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए की। और फ्रेंड्स, ये हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं ये इंग्लिश ए के लिए हैं, सिर्फ बीए सेकंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर फर्स्ट कर लिया लर्निंग टू राइट जिसका नाम है फ्री राइटिंग, और सेकंड चैप्टर भी कर लिया लर्निंग कैन बी फन, और थर्ड भी कर लिया बिली इलियट इज़ माई स्टोरी ओनली लेस हैप्पी, और फोर्थ भी कर लिया फॉर रिटर्न दिस टाइम। और फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है लर्निंग टू राइट सेकंड, एडिटिंग है जिसका नाम। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हम करेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो बनानी हमने स्टार्ट करी है, तो फ्रेंड्स अभी कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने कर लिया और कुछ रह रहे हैं उन्हें हम करेंगे अभी कुछ दिनों में। तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ चैप्टर भी नहीं हुआ है, तो सिक्स हुआ है फ्रेंड्स, अ मदर डिसीजंस की वीडियो बना दी है, आप इसको भी जाकर इंग्लिश अपडेट्स में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा सेवन चैप्टर भी है सोल प्रोवाइडर लॉन्ली वॉरियर, ये भी हो चुका है फ्रेंड्स, ये भी देख सकते हैं। फोटोग्राफिक मदर भी हो गया है फ्रेंड्स, ये जो हमने जितने भी चैप्टर्स बनाए हैं सबकी समरी बनाई है, और समरी दे फ्रेंड्स, समरी इतनी ईजी बनाई है कि आप उसको देख कर आसानी से समझ सकते हैं, और उसमें हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी डाले हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में अगर डिफ़िकल्ट वर्ड भी लिख के आएंगे तो फ्रेंड्स उसको उसके भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये सेकंड ईयर है, ये ट्वेल्थ क्लास या फर्स्ट ईयर नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँ ईजी लिखने में, तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड डालने होंगे इसमें। और फ्रेंड्स, जो नाइन्थ चैप्टर है वो भी नहीं हुआ है, इसकी वीडियो बना देंगे हम। टेंथ हो गया हमारा आवर मर्डर जनरेशन। फ्रेंड्स, कुछ चैप्टर हैं अभी हमने जो वीडियो बनाई है वो हमने बनाई है फोटोग्राफिंग मदर तक बनाई है फ्रेंड, और मर्डर डिसीजन नहीं फ्रेंड्स, हमने हमारी जो वीडियो बनी है अभी सिक्स तक बनी है मदर डिसीजन। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी चैप्टर हैं हम इन सब की वीडियो बना देंगे धीरे धीरे। फिर जो हमारा टेंथ चैप्टर है अवर मर्डर जनरेशन है, और इलेवन द लीडर ऑफ मैन है, ट्वेल्व राइटिंग फॉर एग्जामिनेशन है, और हमारा थर्टीन है द एंड ऑफ युगा, और फोर्टीन मनी बहन अलियास बीबी जान, और 15 हर नेम इज़ भारती। तो फ्रेंड्स, हमारे टोटल 15 चैप्टर हैं, अगर आप इस बुक से पढ़ाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये बुक बहुत इजी है, सॉल्व भी है, आराम से आपकी पढ़ाई हो जाएगी इस बुक से, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी बता रखे हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा ग्रामर में आता है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है सेकेंड ईयर का, सेकेंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए का। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फॉर्मेट होता है पेपर का वो उसमें सबसे पहले हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भी हमारा बुक में से आता है वो टोटल 25 मार्क्स का होता है, यानी कि 25 नंबर का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सोचना है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आना है। और तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे 5 दिए होते हैं।
तो फ्रेंड्स वो 3 मार्क्स के होते हैं, हमें कोई 5 करने होते हैं और हमें 30 से 50 वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उसके बीच में करने होते हैं, तो हमें आधा पेज भरना होता है फ्रेंड्स उसके अंदर। और फ्रेंड्स जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें से हमें कोई 2 करने होते हैं, वो 5 मार्क्स के होते हैं, उसमें 75 से लेके 100 वर्ड्स के करने होते हैं, यानी कि एक से आधा पेज भरना होता है। तो फ्रेंड्स हमने बात कर ली कि हमारी बुक में से क्या क्या आएगा। 25 मार्क्स के ज़्यादातर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही आते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद पैसेज आता है, पैसेज में आप अभी से तैयारी कर दीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप कम से कम 5 या 10 एंटोनिम्स सिनोनिम्स रोज़ याद कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से कर दें। और उसके बाद फ्रेंड्स एंटोनिम्स एंटोनिम्स भी आ जाते हैं। फ्रेंड्स एंटोनिम्स अलग आते हैं सिनोनिम्स से, सिनोनिम्स तो हमारे पैसेज के साथ रिलेट करके आते हैं, ये मिले हुए होते हैं पैसेज के साथ सिनोनिम्स, पर जो हमारे एंटोनिम्स हैं वो अलग से आते हैं, 10 नंबर के आते हैं फ्रेंड्स, कम से कम 10 दे देते हैं वो एंटोनिम्स। और मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन ये भी दे देते हैं फ्रेंड्स, ये 5 नंबर का देते हैं। और प्रीपोजिशन देते हैं 10 नंबर की, फिल करनी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दी होती है। और चूज इन द करेक्ट वर्ड, उसमें होमोफोन्स आते हैं, वो भी 10 नंबर के होते हैं, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होते हैं। वन ऑफ द ऑप्शन यानी कि फ्रेंड्स हमारा ये 5 नंबर का होता है, इसमें हमें वर्ब कंपेयर यानी कि इन दोनों में से या और भी जो हमारे जितने भी डिटर्मिनेशन है प्रीपोजिशन सब में से मिक्स करके दे देते हैं फ्रेंड्स, और उसमें से हमें कोई एक ब्रैकेट में 2 दे देते हैं, उनमें से हमें कोई एक चूज़ करना होता है। फिर फ्रेंड्स स्पीच आती है हमारी 10 मार्क्स की, और लेटर आता है 10 मार्क्स का। लेटर की वीडियो हमने डाल दी है फ्रेंड्स, फॉर्मल इनफॉर्मल के हम वहाँ जाकर लेटर सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो एक पूरा फॉर्मेट है BA सेकेंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए का है, तो फ्रेंड्स आप तैयारी भी से स्टार्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स जो हमने बुक बताई है आपको, तो देखिए फ्रेंड्स हमें टेंसेस दे रखे हैं, टेंसेस भी आ जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस की वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स हम, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, और वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड होमोफोन्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, और वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स है, सिनोनिम्स डिस्टिंग्यूज थ्रू यूज़ है, कॉम्प्रीहेंशन है, लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसी राइटिंग है। अगर फ्रेंड्स आप ये वाली बुक खरीद लेते हैं फ्लुएंसी इन इंग्लिश, तो फ्रेंड्स ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी सेकेंड और थर्ड ईयर को समझने के लिए, यानी कि जो भी आप जिस तरह का पेपर का फॉर्मेट आएगा उसको करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब 1 महीना रह गया है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और अभी भी देर नहीं हुई है फ्रेंड्स। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो फ्रेंड्स आप आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको 70 मार्क्स लाने, 70 वैसे हाईएस्ट फ्रेंड्स 70 से ऊपर माना जाता है, 70 से अबव माना जाता है, अगर आप 70 तक भी लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करने होंगे। और आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ कर आनी है, आपको ग्रामर भी करनी है, पैसेजेस भी करने हैं, और बुक का भी करके आना है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ये सब भी कर आना है। तो फ्रेंड्स आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और हम वीडियो बनाएंगे, आप हमारी वीडियो की हेल्प से पढ़ सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, उससे हम जितने भी वीडियोज़ बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी भी तरह के डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस बार टारगेट बनाइए कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, क्योंकि 100 में से 50% बच्चे तो इंग्लिश में रह जाते हैं, और आप में से किसी को भी नहीं रहना है इंग्लिश में, आपको इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो वो इस वीडियो को देखकर तैयारी स्टार्ट कर दें, और आप भी जाकर ये बुक ले आइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा।